तो अब 25 टॉप 25 खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड बांटेंगे, साथ ही यूपी कोविड प्रबंधन पर लिखी किताब का विमोचन भी करेंगे। ये किताब आईटीआई कानपुर की ओर से प्रकाशित की गई है। सुबह 11:30 बजे लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को लेकर के बड़ा आदेश जारी किया है। यूपी में शांतिपूर्व पर्व निपटे और किसान संगठनों और सिविल सोसाइटी से बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाए रखे। वहीं त्योहारों को देखते हुए दुर्गा पूजा कमेटियों से डीएम और एसपी संवाद करेंगे। प्रियंका गांधी आज 3 घंटे का मौन व्रत रखेंगे। मौन व्रत रखकर के अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग करेंगे। राजभवन या केंद्र सरकार को कार्यालयों के सामने प्रदर्शन होगा। आज रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, जहां आशीर्वाद पथ रैली में जनता को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भीड़ जुटेगी। बुढ़ाना कस्बे की डीएवी इंटर कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। आज आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड को लेकर की सुनवाई होगी। फिलहाल आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि अजय मिश्रा चीनी के मंत्री पद से बर्खास्त के नहीं होने पर 18 अक्टूबर को ट्रेन रोकेंगे। दशहरे के दिन पीएम और गृह मंत्री का पुतला फूंकने की भी चेतावनी दी। लखीमपुर हिंसा के विरोध में आज महाराष्ट्र बंद रहेगा। महाविकास आघाड़ी ने बंद का ऐलान किया था। वहीं मुंबई ठाणे के व्यापारी बंद के समर्थन में नहीं है। बीजेपी वर्कर्स को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने नसीहत दी है। कहा है कि नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से कुचलना नहीं होता, वोट आपके व्यवहार से मिलेगा। शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंद माता के रूप का दर्शन का विधान है। वाराणसी में मां स्कंद माता बागेश्वरी देवी के रूप में विद्यमान है। यहां मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है। अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिसकर्मी के द्वारा चेकिंग के दौरान थप्पड़ मारना भारी पड़ गया। चेकिंग के दौरान युवक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। अमेठी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। बिना लाइसेंस चल रहे नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हो गई है। दलित प्रसूता की मौत अस्पताल में हुई। गाजियाबाद का डासना देवी मंदिर एक बार फिर से चर्चा में आ गया। दरअसल देर रात मंदिर में एक बच्चा अचानक दाखिल हो गया। मंदिर में महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने आरोप लगाया है कि बच्चा यहां रेकी करने के लिए आया हुआ था। लखनऊ एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ का आईपीएस अधिकारी बनकर के ठगी करने वाले को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने प्रयागराज से फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र के गांव चोडेरा में छतारी पुलिस ने एक ई रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं अलीगढ़ अस्पताल में इलाज के दौरान ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में चौकीदार की बेइज्जती का मामला सामने आया है, जहां इंस्पेक्टर ने चौकीदार को जमीन पर बैठाकर अपराध मीटिंग की। चौकीदार को जमीन पर बैठाकर के इंस्पेक्टर ने अनोखी मीटिंग। लखनऊ में डेंगू से हुई पहली मौत का मामला सामने आया है। ठाकुरगंज के निजी अस्पताल में 4 दिन से भर्ती बीए के छात्र की मौत हो गई है। वहीं निजी अस्पताल में मनमानी पर स्वास्थ्य विभाग सख्त है और माता के 24 घंटे की सूचना न दिए जाने पर नोटिस जारी किया गया है। लखनऊ में आज मेगा टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग शहर और ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण शिविर लगा रहा है, जिसमें 242 स्थानों पर 424 बूथ बनाए गए हैं और हर बूथ पर 250 डोज से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध होगी। साथ ही वैक्सीन के लिए 23 मोबाइल वैक्सीन वैन भी लगाई जाएगी। लखनऊ में पुलिस और बांग्लादेशी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बांग्लादेशी बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें रिंकू नाम का सिपाही घायल हो गया। वहीं जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया।
पीलीभीत के जिला अस्पताल के सफेद कोट वाले डॉक्टरों का नया कारनामा सामने आया है। 6 महीने पहले मर चुके मरीज को पैसे के लालच में सिटी स्कैन लिखा दिया। डॉक्टरों से साठगांठ के चलते सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड आदि सभी के पैसे लेकर के मोटी कमाई की जाती है। कानपुर हमीरपुर हाईवे पर अलियापुर टोल प्लाजा के पास ट्रेलर और ट्रक की टक्कर में दोनों के चालक समेत 3 के जलने से मौत हो गई। हालत नाजुक देख डॉक्टर ने प्रयागराज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान बड़े भाइयों की मौत हो गई है। घटना करारी थाना क्षेत्र के चक अहिंगोई गांव की बताई जा रही है। गाजियाबाद में ज्यादातर भट्टों पर काम बंद हो चुका है। कोयला न मिलने की वजह से भट्टे मालिक मजदूरों को वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते मजदूरों पर बेरोजगारी का बड़ा संकट गहरा रहा है। बहराइच में अवैध शराब बनाने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी टीम ने अवैध शराब भट्टियों पर छापेमारी करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त किया है और कई दर्जनों ड्रम बरामद किए। बच्चे को लोग पास के गांव जोगिया में लेकर के पहुंचे, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल भी पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। सीतापुर में पुरानी रंजिश के चलते दबंग ने बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं घायल महिला को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया।